कोनो तुम लोग, कोनो तुम लोग, कोनो तुम लोग, छोड़ो उन्हें, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या चाहिए तुम लोगों को, छोड़ो, छोड़, छोड़ो उन्हें, कोनो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें, छोड़ो उन्हें, छोड़ो सर, छोड़ो, क्या चाहिए तुम लोगों को, छोड़ो, हाय, छोड़ो उन्हें, छोड़ो सर, कौन है तुम लोग, क्या चाहते हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, छोड़ो, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ो, छोड़ दो उसे, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, देखो मेरे पास मत आना, मुझे अभिषेक हेलो पुलिस स्टेशन सर, वो लोग तीन थे, सर पे हेलमेट चढ़ी हुई थी, किसी का भी चेहरा देख नहीं पाया और वो लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, बस इशारों में एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। हवलदार। यस सर। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। बारीकी के साथ। जी सर। साले कुछ ना कुछ तो सबूत छोड़कर गए होंगे। यस सर। और एम्बुलेंस को कॉल करो। जी सर। मेडिकल के लिए लेके जाओ। यस सर। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो। यस सर। शहर में हुई वारदात की चारों तरफ चर्चा हो रही थी, लोग बड़े ही दहशत में थे, लुटेरों का कोई भी सुराग ना मिलने से पुलिस भी परेशान थी। फिल्मी स्टाइल में रात के अंधेरे में लुटेरे आते हैं, एक घर में रॉबरी करके शादीशुदा महिला के साथ बलात्कार करके रात के अंधेरे में ही गायब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए मैं आप सबको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक शहर लखनऊ में। मिस्टर अभिषेक, इन्वेस्टिगेशन में हमसे कोई क्लू छूट रहा है, जिसकी वजह से हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की, रॉबर्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपकी सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में तीन लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं,
फिर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीनों के फेस हेलमेट से कवर हैं, लेकिन उनके जो आने का अंदाज है उससे पता चलता है कि वो इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। या तो हो सकता है कि उन तीनों की आपके घर के ऊपर बहुत दिनों से नजर हो। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी, पर्सनली, प्रोफेशनली, ड्राइवर से, पड़ोसी से, काम वाली से, किसी से कोई? नहीं सर, हमारी किसी से क्या दुश्मनी, हम तो सीधे साधे लोग हैं। पायल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे पति तो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आपकी तारीफ। जी सर, मैं अभिषेक का फैमिली फ्रेंड हूँ और बिजनेस पार्टनर भी। बिजनेस पार्टनर, इस घटना की जानकारी आपको कब मिली? सर मैं शहर से बाहर था और जैसे ही मुझे पता चला मैं सीधा चला आया। सावन। यस सर। इन तीनों का राइटिंग में स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। प्लीज कोऑपरेट। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ फिर। थैंक यू। सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ सर। एक काम करो सावन। हाँ सर। इन तीनों की कॉल डिटेल निकलो। यस सर। और जिस दिन केस हुआ था, जी जो सर। इनका दोस्त है, क्या नाम है? रौनक। रौनक जी, जिस दिन केस हुआ था उस दिन रात को वो कहाँ था, उसकी लोकेशन ट्रेस करवाओ। यस सर। पता करो कंफर्म कि उस दिन वो था कहाँ, क्योंकि इन केसों में ज्यादातर विक्टिम के रिश्तेदार दोस्त ही शामिल होते हैं। हाँ सर। ओके शेखर। हाँ बोलो शेखर। सर हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, वो चोरी की ज्वेलरी बेचने आए थे ज्वेलरी मार्केट में। एक काम करो। जी सर। उनसे कुछ और पता करने की कोशिश करो। यस सर। मैं पहुंच रहा हूँ और जरा खातिर तवाजो करो उनकी। ओके सर। अभिषेक सुनकर बहुत दुख हुआ, जैसे ही मुझे पता चला मैं सीधे ही आ गया। धैर्य रख, होनी कौन टाल सकता है, और भाभी आप भी अपना ख्याल रखो। भाई, मैं हूं ना। अरे भाभी, अरे भाभी, क्या हुआ इन्हें? पायल, पायल, भाभी, पायल, भाभी खोलो, पायल, भाभी, भाभी प्लीज खोलो, पायल दरवाजा खोलो, पायल दरवाजा खोलो। क्या कर रही है? चलो बाहर से देखते हैं, चलो। पायल, भाभी, भाभी, भाई प्लीज, पायल, पायल, भाभी, पायल रुक जाओ, भाई प्लीज, पायल, पायल रुक जाओ, भाभी, पायल रुक जाओ, पायल, भाई प्लीज, प्लीज भाभी, पायल रुक जाओ, भाभी प्लीज, पायल, पायल रुक जाओ, पायल रुक जाओ, क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ, प्लीज भाभी, प्लीज भाभी, प्लीज समझो हमारी बात, सुनो भाभी, भाभी रुक जाओ, भाभी रुक जाओ, चल चल चल, दरवाजा तोड़, चल भाभी, पायल, पायल, भाभी, पायल तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गई हो? तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या करने लगे थी? भाभी इसमें आपकी क्या गलती थी? जीना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। अरे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कीजिए। सुना क्या बोल रहा है वो? हाँ बस सब भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है,
इस घटना से अभिषेक की पत्नी पायल इतनी आहत हो गई कि वो मौत को गले लगाना सही समझ रही थी। पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन तो कर रही थी लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन तभी ही बाजार में दो लोग एक ज्वेलरी शॉप पर कुछ ज्वेलरी बेचते हुए पुलिस के हाथों लग गए और पुलिस पूछताछ में उन दो चोरों ने पुलिस को जो बातें बताई वो इस केस में एक नया ही मोड़ लेकर आ गई। आइए देखते हैं। बता दा मुझे रॉबरी करने के लिए 25% की पार्टनरशिप मिली थी, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो इस काम के लिए हमें क्या मिलेगा? इस काम का तुम दोनों को 50% मिलेगा। बता, सच्चाई बता। मुझे सिर्फ पैसे मिले थे रॉबरी करने के लिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। किसने दिए थे तुझे पैसे? बता। मुझे नहीं, एक पार्टनर और है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जी आइए। अभिषेक, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। आइए बैठिए। बताइए। आपके गुनाहगारों का पता चल गया है। सच इंस्पेक्टर, कौन है वो लोग? कौन है वो लोग इंस्पेक्टर साहब, बताइए मुझे, मैं उनको जान से मार डालूंगा। आपके कुछ खास, बहुत करीबी। मेरे खास? जी पायल जी। हाँ? बताइए आपके पति को, कौन है वो? मुझे क्या पता, आपको पता होगा, आप बताइए। इंस्पेक्टर साहब, आप पहलिया क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, आखिर बात क्या है? कमाल है पायल जी, आप खुद को नहीं पहचानती। इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास मैं नहीं, आप कर रही हो। सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? जिसके साथ ये पूरी प्लानिंग की है ना, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और उसका कहना ये है कि ये सारी प्लानिंग आपकी थी। आप बच नहीं सकती कानून से, सच सच बताइए। नहीं, झूठ है ये, प्लानिंग मेरी ही नहीं, उसकी भी थी। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग ये क्या बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पायल क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, अभी पता चल जाएगा, थोड़ी शांति तो रखिए। हाँ तो पायल जी बताइए, क्यों क्या आपने अपने घर में डकैती और अपने ही हाथों अपनी इज्जत भी लुटवा दी? वाह, आप बता रही हैं, हमें दूसरा तरीका भी आता है। जी इंस्पेक्टर, ये मेरी ही प्लानिंग थी। ले चलो इनको। यस सर, चलो। क्या एक औरत अपने ही घर में चोरी करवाएगी? क्या एक औरत अपनी ही इज्जत लुटवा सकती है? या फिर इसके पीछे किसी की कोई गहरी चाल तो नहीं थी? क्या पायल इस साजिश का शिकार तो नहीं हो गई? आइए देखते हैं। तो बताइए पायल जी, आपने ऐसा क्यों और कैसे किया? तंग आ चुकी थी मैं अभिषेक के पागलपन से। ऐसी जिंदगी से मैं बाहर निकलना चाहती थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। सी, मैंने कहा था ना, इस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे। सी माय प्रेडिक्शन। यस, यू आर राइट ब्रो। लेकिन एक है कि अभी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके हिसाब से ये जो कंपनीज है ना, इनके शेयर प्राइस नीचे जाने के चांसेस है, तब इन्वेस्ट करेंगे, अभी नहीं। यू आर राइट, तुम जैसा बोलोगे हम वैसे ही करेंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, चाय पिएगा? अरे भाई, तूने मुंह की बात छीन ली, बहुत मूड हो रहा है यार, पिला ना। ठीक है पायल जी, दो चाय लाना प्लीज। अच्छा जी। और हाँ भाभी, थोड़ी शक्कर कम। ओके। दिखा भाई। हाँ देख, अरे मैसेज बज रहा है तेरा, कब से कौन है देख ले, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी लीजिए गरम गरम चाय। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी।
भाभी जी बैठिए ना, आप कहाँ जा रही हैं? जी मुझे किचन में थोड़ा काम है, आप चाय पीजिए। अरे पायल इतने प्यार से बोल रहे, बैठ जाओ जी। बैठो। वाह भाभी क्या चाय बनाई है। जी थैंक यू। अरे हाँ चाय से याद आया, उस दिन आपने जो बिरयानी खिलाई थी मजा आ गया था, क्या टेस्ट था उसका। जी थैंक यू। हाँ पायल बिरयानी बनाओ, रौनक को बुलाते खातिरदारी करेंगे खूब। जी अच्छा अभिषेक मैं चलता हूँ, और कल शाम को मीटिंग के लिए टाइम पे जरूर आ जाना। हाँ जरूर। ओके चल डन। ओके भाभी नमस्ते। पायल जी रुको ना, थोड़ी सी बात करते हम लोग। तुम जानती हो आज तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। जी थैंक यू। कितनी स्वीट, कितनी सुंदर, कितनी सेक्सी, कितनी हॉट। शिट लगता है मोबाइल टेबल पे ही छोड़ दिया। जी चाहता है कि तुम्हें जान से मार दूं। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि सबके सामने बाहर मत आया करो। आपने तो कहा था चाय देने के लिए। चाय देने के लिए मैंने कहा था? हाँ तो यहाँ पर क्यों बैठी? आपने तो बैठने के लिए कहा था। ओ, मैंने बैठने के लिए भी कहा था। अगर मैं कहूँ कि रौनक के साथ सो जाओ तो सो जाओगी? नहीं। सो जाओगी? जी नहीं। तो फिर क्या करोगे? तुम जानती हो ना डाले मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमको खोने से डरता हूँ मैं, मुझे डर लगता है कि किसी की हमारे प्यार को नजर न लग जाए, तुम्हारी सुंदरता को नजर न लग जाए, तो मैं तुझे और उस बंदे को जान से मार डालूंगा। तू बिरयानी बनाएगी तो मैं तुझे अब दिखाता हूँ कि बिरयानी कैसे खिलाई जाती है। हाँ तू बिरयानी खिलाएगी? बिरयानी खिलाएगी उसे? बिरयानी बनाएगी? बिरयानी बनाएगी? बिरयानी बनाएगी? बिरयानी बना के खिलाएगी तू? अब कौन है? अरे तू क्या हुआ? अभिषेक मैं मोबाइल भूल गया। अच्छा मोबाइल। एक मिनट रुक। ये ले। ओके थैंक यू। शाम को मिलते हैं। मिलते हैं। बाय। हेलो। हाँ अभिषेक कहाँ हो? बस अभी गाड़ी में हूँ। ऑफिस कब तक पहुँचेगा? हाँ थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ओके वहीं मिलते हैं। नमस्ते भाभी। आप? जी भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी आपसे। अभिषेक अभी घर पर नहीं है, आप शाम को आइए। नहीं भाभी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी भाभी। जी क्यों सहते हैं आप ये सब? क्या क्या मतलब है आपका? भाभी मैं सब जानता हूं कि अभिषेक आपको टॉर्चर करता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, आपको किसी के सामने आने नहीं देता है,
मुझे सब पता है भाभी। तो क्या करूं मैं? अरे आप उसे तलाक क्यों नहीं दे देती? अभिषेक मुझे तलाक कभी नहीं देगा, वो तलाक का नाम सुनते ही मुझे जान से मार देगा। ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब? क्यों आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने में पड़ी हुई हैं? आप इतनी खूबसूरत हैं, पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी हुई है। रौनक तुम चले जाओ यहाँ से। अगर अभिषेक को पता चला कि उसके जाते ही तुम आए थे यहाँ तो मुझे और प्रॉब्लम होगी। लेकिन भाभी मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। ठीक है भाभी, अभी मैं चाहता हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगा, फिर बैठकर कुछ सोचेंगे कि आपको इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाला जाए। आप परेशान मत होइए, मैं हूं। पायल ने जो भी कुछ पुलिस को बताया, क्या वो सब सच था या फिर पायल पुलिस को गुमराह करने के लिए एक नई ही कहानी बना रही थी, या फिर रौनक पायल को चीट कर रहा था? अच्छा एक बात बताइए, आपके पापा ने क्या देखकर आपकी शादी अभिषेक से करवा दी? पैसा रौनक, पैसा। अभिषेक के पास बहुत पैसा है, वही देख के शादी करा दी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा तुम वो छोड़ो, अब जाओ, अभिषेक आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। बाय। क्या बात? अरे रौनक तुम? वो अरे मैं तो सही तो मिलने आया था, तेरा फोन नहीं लग रहा था ना। मेरा फोन? तो मैंने सोचा तू शायद घर पे होगा। क्यों, क्या काम था बोल। वो अपनी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी ना जो, हाँ तो वो अपना प्रोजेक्ट डन हो गया। क्या बात है, बस वही बताने आया था। भाभी से मिला? हाँ भाभी से मिला, उन्होंने बोला तू है नहीं तो फिर मैं बाहर आ गया। अच्छा चाय पिएगा? चाय नहीं, फिर कभी, चलते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय। क्या बात है, आजकल रौनक से मेल जोल बढ़ रही है। जी वो आपसे मिलने आया था। मुझसे मिलने आया था? जी आप ही से। या तुमसे? तुमको बाहर के मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं मुझसे खुशी नहीं मिलती तुझे? हाँ चाय पे बुलाएगी तू? हाँ बिरयानी बनाएगी? रौनक के साथ सोएगी? बोल नहीं। बोल तो क्यों नहीं? तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद अभिषेक ने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कैसे हो सकता है, जी करता है उसको जान से मार दूं। नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरे पास एक प्लान है। क्या? तुम दो तीन लोगों के साथ मेरे घर में डाका डालोगे और तुम मेरा रेप भी करोगे। रौनक मैं अभिषेक को जानती हूँ, रेप होने के बाद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और मुझे तलाक दे देगा, और हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम दूर कहीं जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन अगर अभिषेक ने तलाक नहीं दिया तो मैं रॉबरी के कुछ दिन बाद घर में सुसाइड नोट छोड़ दूंगी और फिर वहां से चली जाऊंगी। तुम भी कुछ महीनों बाद वहां आ जाना,
ऐसे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और पुलिस को भी। फिर हम शादी कर लेंगे और जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है। लव यू। चीयर्स। चीयर्स। ये काम मैं और किसी से भी करवा सकता था, लेकिन तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो इस काम के लिए हमें क्या मिलेगा? इस काम का तुम दोनों को 50% मिलेगा। अच्छा, हम दोनों का 50% और बाकी का पूरा 50% तुम अकेले लोगे? नहीं, एक पार्टनर और है। कौन है वो? काम हो जाने दो, सब पता चल जाएगा। ड्रिंक पियो। कौन है तुम लोग? कौन हो तुम लोग? आयल जी, अगर आपने कानून का सहारा लिया होता तो कानून आपकी जरूर मदद करता, क्राइम करने से बच जाते। गुनेगा कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लू छोड़ ही जाता है। चल, छोड़ो मुझे। चल। अरे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? बता, तूने ऐसा क्यों किया? बता। बताता हूँ, बताता हूँ। मुझसे पायल की तकलीफ देखी नहीं गई। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी साहब। पायल अभिषेक से अलग होना चाहती थी और रौनक उसकी मदद कर रहा था। अभिषेक से अलग करके पायल से शादी करना चाहता था। इन दोनों के इरादे तो नेक थे, लेकिन तरीका बहुत ही गलत था। पायल अगर कानून का सहारा लेती तो पायल और रौनक आज इस बड़े जुर्म से बच जाते और दोनों सलाखों के पीछे ना होते। इंसान कभी कभी गलत चीजों से बचने के लिए गलत ही रास्ता चुन लेता है, जिसकी कीमत उसको और उसके अपनों को चुकानी पड़ती है। दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी आज के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई घटना के साथ। सतर्क रहे, अपने और अपने लोगों की हिफाजत करें, ना जुर्म करें और ना होने दें। जय हिंद।